तो मैं आता हूँ सीधा पॉइंट पर, और आज के इस वीडियो में यार एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि अगर आपके पास कोई ओल्ड आईपैड है, जैसे कि आईपैड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ जनरेशन जो ओल्ड आईपैड होते हैं, उसमें यार आप लेटेस्ट ऐप्स किस तरीके से चला सकते हो। तो यहाँ पे गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि आप लोग अपने ओल्ड आईपैड्स में लेटेस्ट ऐप्स किस तरीके से चला सकते हो। एक छोटी सी ट्रिक है जिसकी वजह से आप अपने किसी भी ओल्ड आईपैड में लेटेस्ट ऐप जो भी आप यूज़ करना चाहो वो चला सकते हो। तो मेक श्योर आपने ये वीडियो एंड जरूर देखनी है, आपको यहाँ पे सारी चीजें डिटेल्स में पता चल जाएंगी। मैंने कोशिश की थी ये चीजें मैं आपको अपने ओल्ड आईफोन 5C में करके दिखा दूं, बट यार ये काफी टाइम से ऑफ पड़ा हुआ है तो ये ऑन हो नहीं रहा। बट गाइज ये जो मेथड है वो परफेक्टली वर्किंग में, आप इसको ट्राई करो, ये बिल्कुल चलेगा। तो गाइज आपने क्या करना है, आपने जाना है अपनी आईपैड की सेटिंग्स में, और यहाँ पे गाइज जो आपको एप्पल आईडी मिल रही है, आपने ये वाली एप्पल आईडी जो कि आपने इस ओल्ड आईपैड में यूज करनी है, पहले ये वाली एप्पल आईडी आप अपने किसी भी लेटेस्ट आईफोन पे या आप अपने किसी भी फ्रेंड के आईपैड पे वो एप्पल आईडी लॉगिन करो। और गाइस जब आप ये लॉगिन कर दोगे तो आपने अपने फ्रेंड के आईपैड या आईफोन में जाना है उसके बाद ऐप स्टोर पे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं ऐप स्टोर पे और यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं। तो बेसिकली आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे वो वाली ऐप डाउनलोड कर लेनी है जो कि आपने अपने आईपैड में यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कैनवा एक ऐप है तो उसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड, और यू जस्ट हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स, जब तक ये डाउनलोड नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन आ गई है एंड यहाँ पे ये डाउनलोड हो रही है। तो गाइस जब आप अपनी डिजायर्ड ऐप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपने इस आइकॉन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रही होगी परचेज़ की, तो आपने इस पे जाना है। और यहाँ पे गाइस ये एक तो ऐप डाउनलोड हो रही है जो कि भी मैंने आपके सामने की है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको iCloud की एक ऑप्शन मिल रही है लाइक दिस। तो गाइस आपने वो सारी ऐप्स डाउनलोड कर लेनी है जो कि आपने अपने आईपैड में चलानी है। ओके, सो जब वो ऐप डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आप अपने फ्रेंड के आईफोन या आईपैड से अपनी एप्पल आईडी लॉग आउट कर लो, और उसके बाद आप जाओ अपने आईपैड पे जो कि ओल्ड आईपैड है जिसमें आपने वो सारी ऐप यूज़ करनी है। तो यहाँ पे गाइस आपने सिंपली जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में गाइस यहाँ पे आपने वही सेम एप्पल आईडी यूज़ करनी है जिससे अब भी आपने अपने फ्रेंड के आईफोन या आईपैड में वो ऐप डाउनलोड किया। जब आप वो लॉगिन कर लोगे उसके बाद आपने अगेन जाना है अपने ऐप स्टोर पे जो कि आपके आईपैड का ऐप स्टोर है, और उसके बाद गाइस यहाँ पे आपने क्लिक करना है इस आइकॉन पे। यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपने जाना है परचेज पे, और गाइस परचेज में आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो कुछ तो ऐप्स वो होंगी जो कि आपके आईपैड में ऑलरेडी होंगी। और यहाँ पे गाइस ये जिन ऐप्स के बाहर ये आइकॉन आ रहा है iCloud का, दैट्स मीन ये ऐप आप अपने इस आईपैड में भी डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप अभी तो आपके आईपैड में नहीं है लेकिन ये आपकी एप्पल आईडी में डाउनलोडेड है, दैट्स मीन अगर आपके पास कोई भी ओल्ड आईपैड है तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस ये ऐप्स चलेंगी। यहाँ पे जितनी भी ये ऐप्स हैं, अगर आपके पास कोई भी ओल्ड आईपैड है और वो ऐप सपोर्ट नहीं कर रही तो गाइस इस ट्रिक के थ्रू आप वो सारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आपने सिंपली क्लिक करना है फॉर एग्जांपल दिस आइकॉन, अगर यहाँ पे मैंने टेम्पल रन 2 डाउनलोड करनी है तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। ये इजीएस्ट वे है अपने किसी भी ओल्ड आईपैड में लेटेस्ट ऐप इस्तेमाल करने का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ऐप है वो डाउनलोड हो चुकी है। इसके अलावा इन वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ ऐप्स ऐसी भी होती हैं जो कि स्टिल नहीं चलती। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यूट्यूब है कि जो ओल्ड आईपैड है उनमें यूट्यूब नहीं चलती, काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए गाइस यहाँ पे आपने सिंपली जाना है सफारी में, और सफारी में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप जो है वो सिंपली सर्च कर लो यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब की ऐप जो ओल्ड आईपैड है उनमें भी प्रॉपरली नहीं चलती। तो यहाँ पर आप सिंपली जो है वो यूट्यूब स्क्रॉल कर सकते हो या यूट्यूब यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ आई होप यार ये टू द पॉइंट ऑथेंटिक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतने मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।